तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कल आकर अपने रूम में रुक गए थे, तो हम लोग हो गए तैयार और बैग भी हमारा पैक हो गया सारा सब कुछ। अब क्या, अब हम लोग चलेंगे दर्शन करने के लिए बाबा नीम करौली। तो चलिए बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। वैसे टाइम हम लोग की मॉर्निंग जो हुई है 10:20 पे। तो चलिए निकलते हैं, सारा सामान समझ चुके हैं और निकलते हैं अब। चलिए बाय बाय। हेलो, सही है। चलिए तो चलिए बाहर चलते हैं और आपको बाहर का मौसम दिखाएं। देखिए कितनी गजब की धूप है। और ये है भीमताल चौराहा, लेक व्यू -400 मीटर। और ये है श्री इधर गाड़ी की पार्किंग है, इधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सभी सब लोग लगा रखे हैं अपनी गाड़ी, वो खड़ी है। बाइक को रखते हैं अंदर। सुबह सुबह निकले थे कि हम लोग ने ये प्लान किया कि पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:50, तो भूख लगी है। कुछ भी नहीं खाए थे, पानी नहीं, कुछ भी नहीं पिया। तो हम लोग पहुंच गए हैं ये बिलास वेज फूड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है और यहाँ पर हम लोग कुछ खाएँगे पियेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर का रेस्टोरेंट कैसा है। ये इनका काउंटर है और टेबल लगे हुए हैं सारे, और साइड में आपको माउंटेन व्यू। ओपन सेट भी है, आप बाहर भी बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। और यहाँ से व्यू देखिए, चलिए खा पी कर इसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो ये है पार्किंग रसीद 118 रुपये कैचे दाम कार पार्किंग 100 रुपये प्लस 18% GST। चलो इसको संभाल के रखना होगा। तो गाड़ी हम लोग पार्किंग लगा देते हैं, उसके बाद फिर उतर के आते हैं। उतर ले जाए कि आगे चल के जाए, उतर ले गाड़ी खड़ी की जाए। चलो पहले हम लोग आए थे, इसके पहले आए थे मेरे हिसाब से 2 साल हो गए। तो बहुत अच्छा, मतलब उतना नहीं बना था लेकिन अब तो बहुत बन गया। चलो आगे दिखाते हैं। ये है कार पार्किंग एरिया पूरा, इधर गाड़ी पार्क है। और अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक की भी पार्किंग इधर, लेकिन कार पार्किंग का जो है वो मेन गेट उधर है, वहाँ से आपको रसीद मिलती है। और बाइक पार्किंग के लिए यहाँ से रसीद मिलती है। इसका आप रेट देख सकते हैं, प्रोग्रेस प्रोग्रेस सबका रेट लगा हुआ है। तो गाड़ी पार्क हो गई हमारी, अब हम चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। देखिए पास से फाइनली हम लोग दोस्तों पहुंच गए हैं कैची धाम। यहाँ पर माता जी का मंदिर भी है और भगवान का मंदिर और बाबा जी का स्थान है। आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए आप लोग। और भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त है भाई साहब, ये देखो। और ये है मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जूता स्टैंड रखने के लिए। ये सामने जूता स्टैंड बना हुआ है, ये देखिए यहाँ जूता स्टैंड अभी बना हुआ है और वो भी निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता। हम लोग चलेंगे पहले जूता स्टैंड में अपना जूता चप्पल रख लो, उसके बाद में फिर चलेंगे नीचे दर्शन करने। भीड़ देख रहे हो भाई साहब, कितनी जबरदस्त है। ये रखा जाए भैया, ये देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, आप किसी भी स्टेप में आप रख सकते हैं। ऊपर रख दिया ऊपर, ये देखो ये हमने लगा दिया अपना जूता के ऊपर। और अभी हम लोग लेकर इसमें कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, टोटली फ्री है। उसके बाद अब चलते हैं दर्शन करने। चलो बाप के जेब। तो यहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद, आप देख सकते हैं प्रसाद के लिए कितनी जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। हाँ प्रसाद लेते भैया। हाँ जी ले लो। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, अब चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। अगर दिखाने वाला होगा तो दिखाएंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। अगर होता है तो फिर आपको दर्शन कराते, तो वरना बाहर से दर्शन कराएंगे। ठीक है, बस ये है मेन गेट, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। चलो ठीक है, बोलो जय बजरंग बली भगवान, जय बजरंग की जय, श्री राम जय, नीम कुश बाबा की जय। इसे ऊपर खड़ा कर लो।
यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। पानी आप देख रहे हैं कैसे बह रहा है। और यहाँ पर लगा हुआ है नल जहाँ से आप हाथ अपना धुल लीजिए, अपने आप को जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। ओम पवित्रम 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 पवित्रम। तो ये है गेट, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। आगे मोबाइल अलाउ नहीं है तो अभी दर्शन करके आते हैं, फिर आपको दर्शन करते हैं। चलो जय बालाजी। सीता राम तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और अब चल रहे हैं वही जूता स्टैंड पर, और यहाँ पर अपना जूता उठाएंगे, चप्पल उठाएंगे, पहन के फिर चलते हैं आगे। पहले हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया है और दर्शन भी कर लिया, घर वालों के सबके लिए प्रसाद भी ले लिया है। अब करते हैं फ़ोटो खींचते हैं, देख रहे हैं फ़ोटो यहाँ से, सब लोग खींच रहे हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए फाइनली आप लोग भी दर्शन कर लिया होगा, चलिए अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते क्या होता है, प्लान क्या होगा आपको देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आपको एक बार दर्शन कराते हैं बाबा जी का। यहाँ से हम जिसे पे खड़े हैं वहाँ पे बाबा जी का जो मूर्ति बना हुआ है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ना पूरा मंदिर, और देखते रहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 दिखाई दिया, जिसको जिसको दिखाई दे गए हो वो एक बार बोलिए जय बजरंग बली जय श्री राम। जय माता दी। दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया, आई होप कि आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया हो। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है, जैसा होता है अगली डेट है। बोलो जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबा जी, जय बाबा नाम करो। इधर राम लड्डू मिलता है अंदर है, और इधर भी प्रसाद मिलता है, और फोटो सेशन चल रहा है, देखो इधर प्रसाद मिलता है, कंबल मिलता है, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इधर होटल ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट भी है, और इधर
गाड़ियाँ सब आ रही हैं, लाइन से निकल रही हैं। तो ये अपनी गाड़ी आ गई है, हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। चलो चलते हैं भाई, अच्छे से दर्शन हो गया। क्यों भाई तेरे ना रहो, गाड़ी में बैठे रहो। चलो चलते हैं भाई। हम लोग क्या मौसम, तो बारिश का मौसम है उधर, बदली है, लेकिन यहाँ पे बादल है, लेकिन धूप और उसके बाद गर्मी बहुत जबरदस्त है। चलो निकलते हैं और आगे का क्या प्लान होता है बताते हैं। क्या प्लान? जागेश्वर, जागेश्वर यहाँ से चलेंगे, जागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम उसके बारे में दिखा देंगे भाई। लोग निकल चुके हैं दोस्तों, और आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करते करते फिर चलते, क्योंकि इसी रास्ते से हम लोग को आगे जाना है जागेश्वर जी के धाम। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, चलिए बढ़ाओ भाई। इधर भी मार्केट बहुत अच्छी बन गई है, सारी सब लाइन से दुकानें बहुत सी बन गई हैं। जय प्रभु, जय बाबा कैची धाम, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। जो हम लोग पिछले इस गर्मी से पिछले वाली गर्मी में 2022 वाली गर्मी में हम लोग आए थे, वही मार्च में आए थे सर, अप्रैल नहीं, मई जून में आए थे हम लोग। तो उस टाइम पे इतना नहीं डेवलप था, इतना नहीं बना था जितना अब बन गया है भाई साहब। आप देख सकते हो लाइन से एकदम जबरदस्त भीड़ भी। और एक चीज और है दोस्तों कि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आ रही है, मोबाइल नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, फोन पे बात नहीं हो पा रही है, खास करके जियो के सिम पे। एयरटेल का सिम तो काम कर रहा है, लेकिन जियो का सिम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बात करें बहुत दिक्कत है, अगर फैमिली में कोई अगर नाराज हो रहा हो कि हाँ भाई पहुंच गए पहाड़ में, तो बीवी गए पहाड़ में, तो ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ भाई नेटवर्क भी दिक्कत है, ये मत सोचो कि हस्बैंड नाराज़ हो गया तो बीवी भी नाराज़ हो जाए, क्यों भैया? सही सही, ऐसा गलत है। यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, बात नहीं हो पा रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कटती है। दर्शन करने के बाद में ये हुआ कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर एक है जागेश्वर धाम। तो जागेश्वर धाम यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बोले कि यहाँ आ गए तो चलो हम लोग दर्शन वहाँ भी कर लेते हैं। तो हम लोग निकल लिए वहाँ के लिए, लगभग गूगल मैप पे लगभग 2 से 2.5 घंटा दिखा रहा रास्ता। तो वहाँ से दर्शन करके फिर उधर से हम लोग निकल लेंगे अपने घर के लिए। तो आप रोड देख सकते हैं, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है और वादियाँ तो एक नंबर की हैं। हमारे मोदी जी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी, और ये आ गए हम लोग यहाँ पर। एक छोटा सा और रेस्टोरेंट है सामने, हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिया है, और यहाँ है जीना जलपान गृह मलाई चाय। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं, वहाँ से निकले थे, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाया, तो ये प्लान हुआ कि चलो कुछ खाते। तो हम लोगों ने मैगी ऑर्डर कर दिया है और चाय ऑर्डर कर दिया, तो चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आपको जागेश्वर धाम भी दर्शन करा देते हैं। और हाँ, आपको जागेश्वर धाम के बारे में बता दें कि ऐसा लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का जो शंकर भगवान का जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो 13वां ज्योतिर्लिंग ही इसको बोलते हैं। तो कैसा होने वाला है, कैसा मंदिर है, उसको भी दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो में। और चलिए आपको दिखाते हैं, पहले तो
आपको रास्ते का रास्ता एंजॉय कराएंगे और पहाड़ का व्यू देखिए इतना अच्छा, इतना मनमोहक है क्या बताएं, और फिर वहाँ मंदिर चल के दर्शन कराएंगे। तो चलिए